हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेबी एडिटिंग चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिस ऐप की मदद से आप फेस को स्मूथ कर सकते हो, फेस को गोरा कर सकते हो एंड जो पिंपल वगैरह हैं उनको रिमूव भी कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, उस ऐप का नाम है एपिक ऐप। उस ऐप की मदद से आपको फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, इस पिक को हम शेयर कर लेते हैं एपिक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो मेरी पिक हो गई एपिक ऐप में ओपन। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम एडजस्ट पे क्लिक करेंगे पहले, और यहाँ से लाइट रूम की तरह ही इसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं ब्राइटनेस को इसकी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम थोड़ा डाउन कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से हमें सॉरी पहले हम सेचुएशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सेचुएशन को थोड़ा डाउन कर लेंगे, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम कॉन्टेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कॉन्टेस्ट को बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से इतना करने के बाद सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसमें थोड़ी जहाँ जहाँ आपको डार्क दिख रहे हैं वहाँ पर सेलेक्ट करके आपको ब्राइटनेस वगैरह कॉन्टेस्ट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो एंड एडजस्ट कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। इतना करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन, और डन करने के बाद में यहाँ से लिखा HSL, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे आप लाइट रूम ऐप की मदद से करते हो वैसे ही इसमें कर सकते हो कलर ग्रेडिंग। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं फेस को कर लेता हूँ गोरा। जो बैकग्राउंड है उसका भी थोड़ा जो कलर है उसको चेंज कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से जो टूल्स वगैरह दिए हैं, ऑप्शन वगैरह दिए हैं, उनको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरह से अपने बैकग्राउंड को हम कर लेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन, और डन करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम फेस को स्मूथ कर देंगे, यहाँ से पिंपल वगैरह रिमूव करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से लिखा स्किन, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम पिंपल पहले रिमूव करें। तो यहाँ से लिखा ब्लेमिश, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक ही आपके जो पिंपल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जो आपके पिंपल वगैरह बचे हैं उनको मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ से ब्लेमिश पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको 5 सर्कल दिखाई देंगे। तो यहाँ से बड़ा वाला सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको हम कर देंगे अप्लाई अपने फेस पे। तो यहाँ से जो पिंपल वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से मैंने पिंपल हैं जो रिमूव कर लिए हैं। तो इतना करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन, और डन करने के बाद में यहाँ से फिर स्किन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लिखा स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कर देंगे फुल, और यहाँ से लिखा पोर, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी भी ओपेसिटी को कर देंगे फुल। फिर यहाँ से लिखा हाईएस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को कर देंगे फुल। फिर यहाँ से हम कर देंगे डन, और डन करने के बाद में आप देख सकते हो जो मेरा फेस है वो स्मूथ हो चुका है, फेस गोरा भी हो चुका है। तो यहाँ से मेकअप पे क्लिक करेंगे, जो लिप्स हैं इनको कलर करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं लिप्स कलर पे सॉरी मेकअप पे कलर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रेड वाले जो रेड टूल का एस्पेक्ट, इस कलर को हम कर लेंगे सेलेक्ट। आप जो कलर चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इस वाले कलर को कर लिया सेलेक्ट। यहाँ से मैंने जो लिप्स हैं वो भी रेड हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम इस पिक को कर लेंगे अपनी गैलरी में सेव, और सेव करने के बाद में इसका टी शर्ट और सनग्लास का जो चश्मे का कलर है उसको चेंज करने के लिए इस पिक को हम शेयर करेंगे स्केचबुक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने इस वाले ब्रश को कर लिया सेलेक्ट, जो ट्रेडिशनल में मीडियम वाला ब्रश है उसको कर लेंगे सेलेक्ट। करने के बाद में यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद में यहाँ से नॉर्मल से इसको कर देंगे सॉफ्ट लाइट, और सॉफ्ट लाइट करने के बाद में यहाँ से हम इसको टी शर्ट पर करेंगे अप्लाई, जो रेड कलर सेलेक्ट किया था। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं कर लेता हूँ जल्दी से अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो मेरा कलर है वो टी शर्ट पे अप्लाई हो जाएगा, और कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से हम चश्मे का कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम एक और लेयर बना लेंगे। यहाँ से हम इसको ग्रीन सॉरी यहाँ से ग्रीन कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको भी नॉर्मल कर देंगे। जो आपका लेयर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो होगा उसको सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। उतना करने के बाद में यहाँ से भी इस पिक को शेयर करेंगे एपिक ऐप में। यहाँ से हम सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस है सॉरी यहाँ से हम जो डार्क डार्क दिख रही है इसको क्वालिटी बढ़ाने के लिए एंड चमक बढ़ाने के लिए यहाँ से हम इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो कर लेंगे। तो यहाँ से हम शैडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो जो मेरे टी शर्ट में कलर आ चुका है, जो चमक बढ़ चुकी है। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो इस तरह से मैंने एडिटिंग की थी। तो अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी, वीडियो पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।